सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। दोस्तों, साइटिका क्या है, साइटिका के लक्षण क्या होते हैं, कौन कौन से एज ग्रुप में साइटिका होने के चांसेस ज़्यादा हाई होते हैं, कैसे समझे कि मुझे साइटिका है, और किस ग्रुप में क्या क्या कारण होते हैं जिससे साइटिका होता है, जब आपको साइटिका पेन हो तो क्या आपको बेड रेस्ट करना चाहिए, कौन सा पोस्चर किस तरह से सोना चाहिए कि साइटिका का दर्द कम हो, साइटिका का डायग्नोसिस डॉक्टर कैसे करते हैं, साइटिका का इलाज क्या होता है, ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं साइटिका के बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं साइटिका क्या होता है। साइटिका साइटिक नर्व के कंप्रेशन से होता है। साइटिक नर्व हमारे बॉडी का एक सबसे थिकेस्ट नर्व है, जो कमर से निकलती है, फिर पीछे थाई के पीछे से जाती है और काफ मसल तक नीचे पैरों तक जाती है। हमारे बॉडी में दो साइटिक नर्व है, एक राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का। और ये साइटिक नर्व में कहीं भी दबाव आती है या कहीं भी सूजन आती है, कहीं भी प्रेशर पड़ता है, तो उसके कारण जो लक्षण होता है उसको हम साइटिका बोलते हैं। साइटिका जनरली 30 से 60 साल के लोगों में ज़्यादा होता है, 20 से पहले ये बहुत ही रेयर होता है। साइटिका पेन जनरली आपके कमर से स्टार्ट होता है और नीचे तक आपके पीछे थाई के पीछे पार्ट, पैर के पीछे वाले पार्ट में हो सकता है और नीचे तक जा सकता है, काफ मसल तक जा सकता है। कभी कभी ये पेन हल्का हल्का दर्द होता है, कभी कभी बहुत शार्प भी हो सकता है और तेज भी हो सकता है। कभी करंट लाइक होता है कि कमर से करंट निकल के नीचे तक पैरों में एक तरफ जा रही है, तो कभी आपके पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट या फिर जलन या चीटियां काट रही हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये एक नस है तो नसों के दबाव से सुन पड़ जाना या फिर जलन होना या फिर उस पैर में कमजोरी भी आ सकती है अगर दबाव ज़्यादा हो। कभी कभी आपका एक पैर बहुत भारी रहता है और आपको पता नहीं चल पाता है क्या है, तो वो भी साइटिका का एक लक्षण हो सकता है। सो लक्षण के साथ साथ जरूरी है जानना कि क्यों होता है साइटिका, किन किन लोगों में होता है साइटिका। तो इसके जो कॉमनली रिस्क फैक्टर देखे गए हैं कि एक, जो अगर आपको कभी चोट लग गई हो, कभी कमर के बल आप गिर गए हो और कमर में चोट लगी हो तो उससे हो सकता है। दूसरा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, सो कमर की हड्डियां धीरे धीरे घिसती है और वहां से नई हड्डी बनती है, जिसको हम स्पॉन्डाइलोसिस भी बोलते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कमर का बोलते हैं। सो उसके कारण नस पे प्रेशर पड़ता है और दिक्कतें आती है। डिस्क की बीमारी, जो दो हड्डियों के बीच में डिस्क होता है वो अगर बाहर निकल जाए और नसों को दबाव करे तो इसको डिस्क डिजीज भी बोलते हैं। स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, कहने का मतलब जो हमारा कमर की हड्डियों में कैनाल होता है और वहाँ से नस निकलती है, अगर वो कैनाल धीरे धीरे छोटी होती जाए, क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर होती है और हड्डी बनने लगती है, तो कैनाल धीरे धीरे एजिंग के साथ कम होती है और वो नसों पे दबाव पड़ता है और उसके कारण भी ये सिम्टम साइटिका के हो सकते हैं। ओबेसिटी, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो कमर पे दबाव ज़्यादा पड़ता है तो उसके कारण भी नस दब सकता है। वाइटामिन की कमी, अगर आपका वाइटामिन B12 कम है तो साइटिका के सिम्टम हो सकते हैं। अगर आपका जॉब प्रोलॉन्ग सीटिंग है, आप कंटिन्यूस बैठे बैठे काम करते हैं, तो हो सकता है आपका कमर में जो ये नस जो जाती है, कमर से निकलती है और पैरों तक जाती है, तो उस पर प्रेशर पड़ के ही ऐसे लक्षण हो सकते हैं। डायबिटीज़, अगर आपको शुगर की बीमारी है और शुगर कंट्रोल नहीं है तो उससे भी ये साइटिक नर्व में डैमेज होता है और साइटिका हो सकता है। प्रेगनेंसी, जैसे जैसे प्रेगनेंसी में आपका पेट बढ़ता है तो ये कमर पे दबाव पड़ता है और कमर के नसों पे भी दबाव पड़ता है, तो उसमें भी साइटिका हो सकता है। सो ये आम कारण हुए जो मैंने आपको बताया। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो साइटिका करवा सकती है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, अगर इसको सही समय पे नहीं पहचाना जाए और इलाज ना किया जाए तो नर्व में डैमेज आ सकती है, एक पैर में कमजोरी आ सकती है और एक पैर में लकवा भी मार सकता है। डायग्नोसिस डॉक्टर कैसे करते हैं, डायग्नोसिस लक्षण के बेसिस पे किया जाता है। आपके सारे लक्षण को पूछा जाता है, सारे रिस्क फैक्टर को जाना जाता है और साथ में एक SLR टेस्ट करते हैं, जिसमें आपके पैर को रेज करके और देखते हैं कि आपके नर्व कंप्रेशन के सिम्टम आ रहे हैं या नहीं।
कुछ एक्सरे भी की जा सकती है और एमआरआई से भी पता चलता है आपकी डिस्क और आपकी नसों में दबाव तो नहीं है, तो उससे भी डायग्नोसिस कंफर्म की जाती है। इलाज, जैसे ही आपको अचानक से एक्यूट साइटिक का पेन आता है तो एक दो दिन बेड रेस्ट से आपको आराम मिल सकता है, लेकिन बेड रेस्ट इसमें नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत ही गलत धारणा है। साइटिका में आपको एक्टिव रहना है, धीरे धीरे अपने काम को करना है। बेड रेस्ट करने से एक दो हफ्ता अगर आप बेड रेस्ट ले लेते हैं तो आपकी कमर की मसल में वो पावर कम हो जाता है और साइटिका का पेन और परसिस्ट करता है। तो साइटिका में अगर एक्यूट अचानक से है तो एक दो दिन चल सकता है बेड रेस्ट, लेकिन इसमें भी मूवमेंट करने की ज़रूरत होती है। बर्फ या हॉट पैक का कंप्रेशन आप कर सकते हैं। आपको देखना होगा कि आपको किससे आपको ज़्यादा आराम मिल रहा है, बर्फ से मिल रहा है या हॉट पैक से, और उसके अकॉर्डिंग आपको सिकाई भी कमर की करनी होती है जिससे आपको आराम मिल सकता है। पेन किलर जो भी आपको सूट करता है अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि कौन सी दर्द की गोली आपके लिए सही रहेगी और उसको ले सकते हैं कुछ दिन जब पेन ज़्यादा हो। इसमें फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो साइटिका पेन धीरे धीरे बहुत क्रोनिक हो जाता है और आपको बहुत परेशान करता है, तो ज़रूरी है कि इसमें एक्सरसाइज किया जाए, फिजियोथेरेपिस्ट से मिला जाए और कुछ साइटिका नर्व के जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो लेना चाहिए। जब भी साइटिका पेन हो तो कौन सा पोस्चर रात में आप सोएं, कैसे सोएं, करवट लेके सोएं या पीछे लें, ये भी एक बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो आइडियली आपको अपने कमर के बल पर सोना चाहिए और घुटनों के नीचे एक तकिया रख सकते हैं जिससे आपका पैर थोड़ा बेंड हो जाएगा। साइटिक नर्व जो होती है उस पर प्रेशर थोड़ा कम होता है, आपको आराम मिलता है। तो ये पोस्चर आप साइटिका में सोने से आपको आराम मिल सकता है। कुछ नर्व रिलैक्सेंट दवाइयाँ भी दी जाती है। अगर आपका विटामिन कम है तो इसमें नर्व की विटामिन भी दी जाती है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें कि कौन सी दवाइयाँ आपके लिए बेस्ट होगी। उसके साथ साथ कुछ मसल रिलैक्सेंट भी दी जाती है जब आपका पेन ज़्यादा हो, लेकिन हर मरीज की बीमारी साइटिका की अलग होती है, उनकी सीवियरिटी अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग दवाई दी जाती है। कब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? जब पेन आपका बहुत सीवियर हो और 4 से 6 हफ्ते तक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करने के बाद भी ठीक ना हो तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, वो MRI करने के बाद डिसाइड किया जाता है। या आपके पैर में अचानक से एक पैर में कमजोरी आ रहा हो या लकवा जैसा लग रहा हो तो वहाँ भी सर्जरी की ज़रूरत अर्जेंटली पड़ती है। आपके पेशाब में या लैट्रिन में करने में दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ भी रुकावटें हो रही हैं नर्व के कंप्रेशन के कारण, तो ऐसे कंडीशन में भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। यूजुअली सर्जरी इसमें रेयर होता है, सिर्फ 5% 2% लोगों में ही सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। 95% से ज़्यादा पेशेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के साथ मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनका पेन क्रोनिक हो सकता है, सो सर्जरी बहुत रेयरली ज़रूरत पड़ती है और सिर्फ कंजर्वेटिव इलाज से ठीक हो जाता है। अगर साइटिका के बारे में आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी भ्रम हो, गलत फहमियाँ हो, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछने का मन करे तो आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और आप मुझसे डायरेक्ट साइटिका के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का ज़रूर आंसर करूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, मेरे इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं अक्सर मेडिकल इन्फॉर्मेशन जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए सिंपल भाषा में लाते रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।